वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पल पल रियल व्लॉग में। तो कौन कौन परेशान है चूहों से? अक्सर सभी लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं घरों में और ये गंदगी भी फैलाते हैं प्लस बीमारी भी फैलाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम इस तरीके का चूहादान लेके आते हैं मार्केट से इन्हें पकड़ने के लिए। तो अगर ये चूहादान मैं अगर आपको घर पे बनाना सिखा दूँ तो कैसी बात रहेगी? अच्छा रहेगा ना, वो भी फ्री जुगाड़ है बिल्कुल। आपको बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बनाएंगे आज इस तरीके का एक चूहादान। मार्केट की तरह काम करेगा बिल्कुल, आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक पहुँची है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ले लिया है, दो डिब्बे हैं मेरे पास ये ऑयल के, जो सब्जी में हम ऑयल खाते हैं ना, तो वही ऑयल है ये। तो यहाँ पर मैं ना इस पे मार्क्स लगा रही हूँ, इनकी टिक लगा रही हूँ गोल गोल। आपका मन है आप लगा भी सकते हैं या फिर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लेना अपने अंदाज से। तो फिर यहाँ पर अब मैं इसमें होल कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने होल कर लिए हैं इसमें ये, ताकि इसमें चूहेदान जैसा मतलब कि कुछ लुक आए ना, उसमें होल होते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक ये तेल की शीशी ले ली है, इसका स्टिकर ना मैं हटा देती हूँ पहले। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे ना हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे चाकू से कट कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा नरम सॉफ्ट सी बोतल होती है, इसीलिए मैंने ये ऑयल की बोतल ली है। आपके पास कोई पानी वाली बोतल हो वो ले लीजिएगा, वो भी थोड़ी सॉफ्ट सी होती है। तब तो इसका आगे का पार्ट है ये, तो मैंने कट करके निकाल दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका जो बेस है यानी कि तली है उसे भी कट करके अलग हटा देती हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसका बीच वाला पार्ट चाहिए। अब देखिए एक साइड से हमें इसमें कट लगाने हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, कम से कम अंदर की तरफ आप इसमें 3 से 4 इंच के करीब गहराई में कट लगा लीजिएगा। आपके पास जितनी बड़ी बोतल है आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डिब्बा मेरा थोड़ा छोटा था तो उसी लिए मैंने छोटी बोतल ली है, बड़ा डिब्बा होगा तो हम बड़ी बोतल ले सकते हैं या फिर ऐसी भी ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी बड़े चूहे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो स्टेप है बिल्कुल कट के अलग हो चुकी है ये, अब हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ये नरम सी हो जाए, ताकि चूहे को इसमें जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, चूहा चला जाएगा आराम से इसमें। अब मैं इसे बाहर की तरफ को निकाल देती हूँ। तो बाजार से खरीद के लेके आने से अच्छा है आप घर में ये जुगाड़ कर सकते हैं, और ये भी वर्क वैसे ही करेगा जैसे हमारा जो मार्केट वाला चूहेदान करता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये मैंने ये वाला बॉक्स उठाया, अब मैं इस पर ना ये बोतल रख देती हूँ इस तरीके से जो कट किए मैंने, और इसी की शेप में हम लगा देंगे इस पर निशान, यहाँ पर लगाएंगे हम कट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले हम निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग करेंगे ना बॉक्स की तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा, अच्छे से कट जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मैं इसे काट कर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया है, देखिए अभी कट हो चुका है। अब हम इसमें इस बोतल को एडजस्ट करेंगे ये वाली, तो चूहा इसमें आराम से चला जाएगा। देखिए मैं अपना हाथ भी इसमें डालकर दिखा दे रही हूँ आपको, देखिए अब देखिए ये बोतल ना मैंने इसमें एडजस्ट कर लेनी है। तो ये मैंने इसके बिल्कुल नाप से कट की है ना, तो ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। देखिए आराम से आप इसे फिट कर लीजिए, पहले फिट हो जाती है अच्छे से, और फिर अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये निकल सकती है, ढीली है, आपसे थोड़ा बहुत बड़ा ही होल हो गया है बॉक्स में, तो आप क्या कीजिए जो चिपकाने वाला गोंद वगैरह होता है ना, तो वही आप ले लीजिएगा और उससे ना इस बोतल को और डिब्बे को चिपका दीजिएगा, यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। तो वैसे ये बहुत ही अच्छे से फिट हो चुकी है, यहाँ पर आप चाहे तो गोंद भी लगा सकते हैं ताकि चिपक जाए, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल फिट इसमें बैठा हुआ है और ये बिना निकाले नहीं निकलेगी बोतल इसमें से, अब चूहा इसके अंदर ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पर चूहे को बुलाने के लिए भाई थोड़ा सा लालच तो हमें देना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल दूँगी एक रोटी के, थोड़े से मैं चावल भी डाल देती हूँ इसमें, आप और कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि चूहा खाने पीने की चीज़ों को देख कर ही किसी भी चीज़ के अंदर बैठ जाता है घुस कर। यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर से चूहा जाएगा, और जब जाएगा ना इसके अंदर से चला तो जाएगा,
लेकिन निकल नहीं पाया था, इसीलिए हमने बोतल के जो आगे की तरफ हमने कटिंग की थी ना, इसीलिए की थी क्योंकि वो निकल नहीं पाएगा वापस। यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ढक्कन खोलकर, जब आप इसका ढक्कन खोलकर उसे निकालोगे ना तभी वो निकलेगा, ऐसे नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक कमरे में ले जाके रख देती हूँ इस, और देखे देख लेते हैं कि चूहे आएंगे, और चूहे आते हैं फ्रेंड इसमें और फंसते भी हैं। तो आप ये फ्री फोकट का जुगाड़ घर में कर सकते हैं, ये घर में बना सकते हैं।